शुद्ध पानी हमारे नदियों में बहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज तक हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज 75 साल तक पानी अगर उठाया तो सिर्फ 20-21 हजार टीएमसी का उपयोग हो रहा है, बाकी 50 हजार टीएमसी का पानी समंदर में बह जा रहा है। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। 50 हजार टीएमसी समंदर में जाता है, नेता हमारे तमाशा देख रहे, सरकार हमारे तमाशा देख रहे, कोने कोने में पीने का पानी का किल्लत। महाराष्ट्र मुझे बड़ा अजीब लगता भैया, महाराष्ट्र से कृष्णा निकलता है, गोदावरी निकलता है, या प्रवरा नदी है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, पंचगंगा है, घटप्रभा है, मंजीरा है, भीमा है, प्राणहिता है, इंद्रावती भी है और छोटे छोटे कई नदियां हैं। महाराष्ट्र राज्य में पानी का किल्लत क्यों, इसलिए इसके कसूरवार कौन है, दया करके सोचिए। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया, 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 ईयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में, 16 साल नंबर दो स्थान पे भाजपा हुकूमत किया, बस 3-4-5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में, कोई साल कोई सवा साल कोई डेढ़ साल कोई 8 महीना, वीपी सिंह चंद्रशेखर देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही दो पार्टी हुकूमत करते रहे, अगर कोई कसूरवार है तो ये दो पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं, हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है, ये हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं, जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला, कांग्रेस गया बीजेपी आए, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात, तू कितना मई कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी, एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए क्या, किधर गया भाई मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है, पतंगों का मांझा चाइना से आता है, दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारे चीज चाइना से आते हैं भाई। घरे घर गांव गांव गली गली चाइना बाजार लग रहा है तो कहां गया मेक इन इंडिया, चाइना बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है, नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए, आप परमानी में जाओ, अकोला में जाओ,
कहीं भी जाओ सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में, कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं दुख दर्द से यह बात कह रहा हूं। ये बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए। ऐसे ही दो तीन बात और बताने हैं। इस देश में 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है, ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता, फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात वो बात, कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक, मरी तो रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक कवि गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनयपूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दो तीन बातें हैं, आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। जैसा मैंने कहा आपको, मैं यहां से यहां के बाद पत्रकारों के पास काफी मटेरियल दूंगा आज, कल पूरे टीवी में, अखबार में भी आ जाएगा, वो भी पढ़ लीजिए। कुछ बातें अभी रखता हूं मैं, बाकी बहुत सारे चीज जो स्टैटिस्टिक्स है, ऐसी आम सभाओं में जो नहीं कहा जा सकता, वो आज मैं पत्रकारों के इसमें गोष्ठी में मैं बताने वाला हूं। कल जरूर दया करके अखबार भी पढ़िए, लोकमत पढ़िए, देशोन्नति पढ़िए, जो जो पत्र आपके पास आते हैं वो पढ़िए। एक बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में, जिम्बाब्वे देश में है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी, सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है। इसी प्रकार के नैलू नदी पे, रशिया में अंगारा नदी पे, चाइना में एंगजी नदी पे, अमेरिका में कोलोराडो नदी पे, किसी अन्य देश में अन्य नदियों पे 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 टीएमसी के रिजर्वायर्स बन चुके हैं। इतना विशाल भारत, इतनी विशाल जनता, जहां सूखा भी पड़ता है, जहां बाढ़ से भी प्रभावित होता है, ऐसे क्या कम से कम 3-4 रिजर्वायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनने में नहीं आ रहा है? होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर बनना चाहिए। फिर क्यों हमारे सरकार चुप बैठे हैं? मतलब ये नहीं बनते, और उल्टा चक्कर क्या बनते, क्या बनते? ट्रिब्यूनल, भाई देखो, मैंने जैसा कहा, हिंदुस्तान की कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे,
तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए नहीं दिया जाए बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए, उधर से वो नहीं बोल रहे, आना चाहिए पानी, जो चाह रहे हाथ उठाइए, आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए, फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल 20 25 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता, उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजे आए तक और 15 साल, उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा, 100 साल के बाद आएगा पानी। क्या ये सरकारें बनाएंगे? हम आशा कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा है अब की बार किसान सरकार, किसान सरकार बना तभी यह बात संभव हो सकता है। किसान सरकार बने तो ही पानी समंदर में जाने से रुक जाके जमीन पे आ जाएगा, हमारे बीड जिले में आएगा जहां सूखा पड़ता है, हमारे जालना में आएगा, हमारे परभनी में आएगा, हमारे लातूर में आएगा, हमारे गढ़चिरौली में आएगा, हर जगह जहां पानी की किल्लत है वहां आ जाएगा, घरे घर में भरपूर पीने का शुद्ध पानी हमारे घरों में आएगा। भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जरूर, मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री हूं, 8 साल पहले तेलंगाना भी आपसे बड़ा बुरा हाल में था, करंट नहीं मिलती थी, पता नहीं कब आता कब जाता भगवान जाने, कई किसान हमारा मर रहे थे करंट मोटर लगाने रात में जाके, किसी को बिच्छू काटा, किसी को सांप काटा, किसी को शाक लग गया, पीने का पानी नहीं था, सिंचाई तो बोलना ही नहीं, सूखा ही सूखा था, आधा लोग पेट हाथ में लिए पलायन थे, देश भर में घूम के मजदूरी कर रहे थे, बड़ी किल्लत थी। 7-8 साल के कड़ी मेहनत से, आप लोग जानते हैं नांदेड़ जिले के भाइयों, जो कि तेलंगाना नांदेड़ के बीच में महाराष्ट्र के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, रोज आना जाना है, आपके लोग लाखों लोग हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं, आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में, किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं किसानों को, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं, कोई जाके कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके, तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है, क्या तुम्हारे 3 मोटर है 2 मोटर है, लगाओ 50 मोटर भी लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप जाइए, आप लोग आइए, मैं आपको आह्वानित करता हूं, 4 कदम यहीं आप आदिलाबाद आके देख सकते हैं। और किसानों को हमने 100% मराठी भाषा में 100% कहते हो, बीमा का जो रकम है 100% सरकारी बनती है, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी किसान का मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं, सहज रूप में स्वाभाविक तरीके से भी, नेचुरल डेथ भी, नेचुरल मृत्यु भी अगर होता है, 8 दिन के अंदर उनके घर में 5 लाख का चेक पहुंच जाता है। 70 लाख किसानों का हमने ऐसा किया है, अभी तक करीब करीब 1 लाख किसान जिनका मृत्यु हुआ
उनके घर पैसा पहुंच गया है और किसानों के लिए 10,000 रुपए हर एकड़ को निवेश के लिए देते हैं, हर एकड़ को। और खरीदारी दान जितना भी उगता है पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है, सारा का सारा दान सरकार ही खरीदता है, पूरा एमएसपी देके। ये चीज जब तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं, इसलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं। जहां किसान सरकार है वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? फिर बनाएंगे किसान सरकार? टंडा टंडा बोल रहे आप, बनाएंगे किसान सरकार? इसलिए मेरा आप लोगों से विनती, दूसरी बात, ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई? आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? मैं एक बात कहता हूं, लिख लीजिए, इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, 361 कार्टन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया, 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए एक कोयला सीमा बस है। और कोयला कहां है? कहीं आकाश में है? यही है, हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड़ में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है, महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है। लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता, ये क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें काल में दाल में कुछ काला है।